या नबी नुस्खाए तस्खीर को मैं जान गया, या नबी नुस्खाए तस्खीर को मैं जान गया, उसको सब मान गए आपको जो मान गया। या नबी नुस्खाए तस्खीर को मैं जान गया, या नबी नुस्खाए तस्खीर को मैं जान गया, उसको सब मान गए आपको जो मान गया, उसको सब मान गए आपको जो मान गया। हर मका वालों को करता हुआ हैरान गया, लमका में लमका में मेरा वो पैगंबर, लमका में वो मेरा पैगंबर ज़ीशान गया, लमका में वो मेरा सरवर ज़ीशान गया, उसको सब मान गए आपको जो मान गया। हर बुलंदी मुझे पस्ती की तरफ आई नजर, हर बुलंदी मुझे पस्ती की तरफ आई नजर, जब मेरा गुंबद खजरा की तरफ ध्यान गया, जब मेरा गुंबद खजरा की तरफ ध्यान गया, जब मेरा गुंबद खजरा, हर बुलंदी मुझे पस्ती की तरफ आई नजर, आई नजर, जब मेरा गुंबद खजरा की तरफ ध्यान गया, जब मेरा गुंबद खजरा की तरफ ध्यान गया, उसको सब मान गए आपको जो मान गया। बोले बोले, और डूबते डूबते जब उनकी तरफ ध्यान गया, डूबते डूबते जब उनकी तरफ ध्यान गया, ध्यान गया, तो लेके साहिल की तरफ खुद मुझे तूफान गया, लेके साहिल की तरफ खुद मुझे तूफान गया, उसको सब मान गए आपको जो मान गया, उसको सब मान गए, उसको सब मान गए। अकीदे का शेर पढ़ता हूँ, सरकार के कदमों का बोसा लेकर समाज फरमाए मचल के पेज भी कहते हैं सुभान अल्लाह। गैब का जानने वाला जो उन्हें मैंने कहा, गैब का जानने वाला जो उन्हें मैंने कहा, बात ईमान की थी कुफर बुरा मान गया, बात ईमान की थी कुफर बुरा मान गया, उसको सब मान गए आपको जो मान गया, उसको सब मान गए। अच्छा एक शेर, एक शेर, शेर देखें, हालाते 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 हाजरा पर, मत इसी मौके का है, हालाते हाजरा पर इसी मौके का शेर पढ़ता हूँ, समाज कर समाज कर मचल के कह दें सुभान सुभान। बस इरादे से ही मौजों का हुआ काम तमाम, बस इरादे से ही मौजों का हुआ काम तमाम, या नबी कह नहीं चाहा था कि तूफान गया, या नबी कह नहीं चाहा था कि तूफान गया, उसको सब मान गए।
बस इरादे से ही मौजों का हुआ काम तमाम। या नबी, या नबी कह नहीं चाहा था के तूफान गया, या नबी कह नहीं चाहा था के तूफान गया, क्यों क्यों उसको सब मान गए आपको जो मान गया। अच्छा एक हासिले कलाम से आसिफ भाई सरकार के कदमों का बुलंद है। जिंदगी में तो उन्हें जान न पाया लेकिन जिंदगी में तो उन्हें जान न पाया लेकिन जब मेरी जान गई मैं भी उन्हें जान गया, जब मेरी जान गई मैं भी उन्हें। शेर है ही लेकिन ये सबके लिए शेर है नहीं, हम बरेलवियों के लिए ही खालिस शेर है क्योंकि अहले सुन्नत व जमात बरेलवी मसलक पर अमल करने वालों का ही ये ईमान है कि मेहमान बन करके जमीन पर जो चल रहे हैं पहली मंजिल के लिए जब रवाना होंगे तो हम सबकी कब्रों में दोनों जहां के मालिक को मुख्तार तशरीफ लाएंगे। यह हम बरेलवियों का अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये शेर तो अल्हम्दुलिल्लाह कलाम का हासिले कलाम शेर है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये शेर हम सब बरेलवियों के ही लिए खालिस है। अब वहाबी देवबंदी सुलह कुल्ली चाहे सुनना तो अव्वलन तो उनको समझ में ही नहीं आएगा। इस दौर में भी कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं हम सुन्नी हैं लेकिन बड़े बड़ी जात के अशार समझ में नहीं आ रहे हैं। ताज्जुब की बात है लल्ला। अच्छा ये भी एक अच्छा मुफ्त का मशहूर होने का अंदाज है, टीवी बेचारा कब तक मेहनत करेगा। अब हम बरेलवियों के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह हराम है तो जाहिर सी बात है कि जब भी बरेली शरीफ के बुजुर्गों की जानिब किसी की जबान खुलती है और मोहब्बत में खुलती है तो जर्रा होता है तो आफ्ताब बन जाता है, कतरा होता है तो दरिया बन जाता है और जब बुग्ज में खुलती है तो कद्दावर कद्दावर लोग लल्ला इतनी पस्ती में चले गए कि महल्ले के लोग तक टूट रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह का फजल है, करम है, एहसान है कि हम सुन्नी सोने पे सुहागा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह करम बाला ही करम ये है कि हम बरेलवी सुन्नी हैं। समझ रहे हैं ना? वाह वाह अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में सुन्नी होना आसान है। सुन्नी तो वो भी कहता है जो मिनहाजी है लेकिन अल्लाह का फजल है कि जहां से आया था उस शहर में नहीं, उस मुल्क में नहीं बल्कि उस मुल्क के लोगों ने भी उसको सात समंदर पार पेश कर दिया। सात समंदर पार भेज दिया है कि तुम्हारी सूरत इस मुल्क में भी पसंद नहीं आनी चाहिए तो कि तुम्हारी सूरत हुजूर ताजुश्शरिया बदरुत तरीका को पसंद नहीं आई है। अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मसलके आला हजरत पर सख्ती के साथ कायम रहो जो पूरी उम्र मुबारका इस शहर में तशरीफ एक बार नहीं बार बार ला करके नसीहत फरमा रहे हैं वो कोई और नहीं हुजूरे सैयदना मुहद्दिस कबीर मद्दज़िल्लुन नूरानी है। अल्लाह का फजल है ये जो बहारें नजर आ रही हैं ना, ये जो बहारें नजर आ रही हैं ये फैजान सदरुशरिया है, फैजान हुजूर मुहद्दिस कबीर है। अल्लाह तबारक व तआला इन बहारों में दिन ग्यारहवीं रात बारहवीं बरकतें ही बरकतें अता फरमाए, है ना। अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखे अरे आंख वाले तेरी जुबन का तमाशा देखे। अब जिनके लिए तमाशा है तो वो तमाशा ही लगेगा, आग कहां से लाओगे। मदारी होता है खेल दिखाने वाला, खुश होकर के ताली बजवाने वाला,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तो उनके दीवाने हैं जिनके कब्जे में पूरी दुनिया है। वैसे ही देखें जैसे हथेली में राई का दाना हो और दुनिया को वैसे ही देखें। हम तो उनके दीवाने हैं। जैसा कि कल मैंने अर्ज किया कि हम जब पहुंचते हैं तो अपनी सरकारों के हवाले उस शहर को कर देते हैं। यही वजह है कि आसमान से जमीन पर गिरने वाला एक एक कतरा भी इन लम्हात में जो गिरा है वो भी नाश करेगा जो गिर चुका था पहले महफिल पाक से। जो गिरने वाला है महफिल पाक के बाद वो दरमियानी कतरात अपनी किस्मत पर नाश करेंगे कि हम उस वक्त बरसे थे जब अल्लाह का और उसके रसूल का जिक्र खैर हो रहा था। समझ रहे हैं ना लल्ला? बहुत अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम जितना ही अपनी अपनी किस्मत पर नाज करें उतना कम है कि अल्लाह का फजल है हम गौसे आजम के मानने वाले हैं। अल्लाह का फजल है सुल्तानुल हिंद अताए रसूल सैयदना गरीब नवाज पर सब कुछ कुर्बान करने वाले। अल्लाह का फजल है कि इमाम अहले सुन्नत सैयदना आला हजरत अजीमुल बरकत रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहि मुजमईन के मसलक पर सख्ती के साथ अमल करने वाले हैं। तो बस इंशाल्लाह अमल करते रहे। और लल्ला ये बाबे फिरदौस किसी की जागीर नहीं है, जागीर है तो बरेलवियों की। बस शर्त है लल्ला नमाज की पाबंदी रखे इंशाल्लाह। जो मसाजिद है ना उनको आबाद रखें। फिर कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हवाएं आपको अपनी जगह से हिला करके इस सिमत से उस सिमत लेकर के चली जाए। नमाज की पाबंदी रखें, तिलावत कुरान अजीम करें, अपने माँ बाप की हुक्म की तामील करें। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका यहाँ बैठना, हम सबका यहाँ सुनना अपनी बारगाह मुकद्दस मुकर्रम मुअज्जम में कबूल फरमा ले। बहुत मुश्किलों से ऐसी बाबरकत महफिल इनकाद होती हैं, है ना, बहुत मुश्किलों से। ये रस्मी तौर पे हम लोग महफिलों में ना शिरकत करते हैं ना ऐसे खूबसूरत खिताब सुना करते हैं जो खिताब अभी सुना है। असर यही वजह है कि खिताब में होता है, असर यही वजह है कि कला में रजा में होता है, क्योंकि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह दिल से सुनने के लिए सीखने के लिए हाजिर हुआ करते हैं, है ना। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप सब हमेशा हमेशा सख्ती के साथ मजहब अहले सुन्नत पर कायम रहे, मसलक आला हजरत पर दायम रहे, फरमान हुजूर ताजुश्शरिया बदरु तरीका व हुजूर सैयदना मुहद्दिस कबीर पर सख्ती के साथ अमल करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला इस शहर पाली को गौसे आजम के सदके में जो रब ने पाला है कयामत तक के लिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला गुलाम की शक्ल में पलटा रहे। ये हम लोग फिर सुनना चाहते हैं। जब मेरी जान गई मैं भी उन्हें जान गया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये सबक देने वाला है उन्हीं को। सुभान अल्लाह। एक बार और ज़हमत करते हैं। माशाल्लाह वाह वाह रहमत रहमत मैं भी उन्हें जान। सुभान अल्लाह। जिंदगी में तो उन्हें जान पाया लेकिन देवबंदियों का जनाजा निकल चुका है, सुलह कुल्लियों के ताबूत में कील ठोकने का वक्त बहुत पहले आ चुका है। जिंदगी में तो उन्हें जान न पाया लेकिन जिंदगी में तो उन्हें जान न पाया लेकिन जब मेरी जान गई मैं भी उन्हें जान गया। जब मेरी जान गई मैं भी उन्हें जान गया। उसको सब मान गए आपको जो मान गया। उसको सब मान गए और जैसे परसों की मुलाकात रही हो उनसे। हाँ हाँ हाँ
वाह 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 जैसे बरसों की मुलाकात रही हो उनसे, जैसे बरसों की मुलाकात रही हो उनसे, कब्र में देखते ही मैं उन्हें पहचान गया, 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 जैसे परसों से मुलाकात रही हो उनसे, कब्र में देखते ही मैं उन्हें पहचान गया। इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया, मसलके आला हजरत आमदे गुलजारे मिल्ला, नारे रिसालत। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए हड्डी बोटी कैसी लग रही है, है ना, किसी का खलल दखल कुछ नहीं है, अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह। दाहिना देखो तो, बायां देखो तो, दरमियान में देखो तो, है ना, अल्लाह का करम है, एहसान है। ऐसी बहारें कहां मैसर आती हैं, ऐसे जलवे देखने को कहां मिलते हैं, अल्लाह का फजल है कि रहमतों का नुजूल हो रहा है, सुभान अल्लाह। मकबूलियत और कबूलियत का वक्त शुरू हो चुका है। अल्लाह पाक अपनी रहमतों से आप सबको शर्फियाब फरमाए, अल्लाह पाक आप सबको अपनी अपनी रहमतों से माला माल फरमाए, अल्लाह पाक आज की बाबरकत महफिल पाक के सदकई तुफैल आप सबकी दिली दुनियावी मकासिद जायज को पूरा फरमाए, अल्लाह पाक अपनी रहमत कामला के सदकई तुफैल इनमें जो बे औलाद है सभी को औलाद सौले अता फरमाए, अल्लाह पाक अपनी रहमत कामला के सदकई तुफैल इनमें से जिनकी बेटियां और बहनें उनका नसीबा रोशन फरमाए, सभी को सही सुन्नी उलकीदा खुशहाल घरों के अच्छे अच्छे रिश्ते अता फरमाए, अल्लाह पाक अपने महबूब मुकर्रम मुअज्जम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदकई तुफैल इनमें से जो बीमार हैं इनके घरों में जो बीमार बड़े छोटे हैं बच्चे और बच्चियां हैं मौला सभी को शिफाई कामिल आजल अता फरमा दे, सेहत और तंदुरुस्ती और तमन्नाएं अता फरमा दे। अल्लाह ताला हम सबको मजहब अहले सुन्नत पर कायम फरमा, मसलके आला हजरत पर सख्ती के साथ अमल की तौफीक रफीक अता फरमा। अल्लाह तबारक व ताला हुजूर सैयदना मुहद्दिस कबीर की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमा। अल्लाह ताला इस बाबरकत मेंबर नूर पर जितनी भी सादात किराम ज़वील इत्राम उलमा हुफ्फाज़ कुर्रा मद्दआन रसूल खुदा तशरीफ रखते सभी की उम्र में सेहत और तंदुरुस्ती में इल्म अमल कमाल और जमाल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे खूबसूरत अशआर जो सुनने को मिल रहे हैं और नस्लन बादा नस्लन इंशाअल्लाह मिलते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही ईमानी हरारत हम सब में हमेशा हमेश के लिए कायम व तायम फरमा। एक बार और सुना दीजिए मेरे लल्ला जी मेरे, और फिर दोनों जहां के मालिक मुख्तार की बारगाह में खड़े हो जाते हैं। जैसे बरसों की मुलाकात रही हो उनसे, जैसे बरसों की मुलाकात रही हो उनसे, जैसे बरसों की मुलाकात रही हो उनसे, कब्र में देखते ही मैं उन्हें पहचान गया, कब्र में देखते ही मैं उन्हें पहचान गया, उसको सब मान गए आपको जो मान गया, उसको सब मान गए आपको जो मान गया। आखिरी एक शेर समाज फरमा ले, फरमा ले आसिफ भाई कबीर। शुक्र कर शुक्र 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 शुक्र
के मौत आई दरे अहमद पर शुक्र कर शुक्र शुक्र के मौत आई दरे अहमद पर शुक्र कर शुक्र के मौत आई दरे अहमद पर दरे अहमद पर मदीने से कहीं जाने का इम्कान गया है मदीने से कहीं जाने का इम्कान गया है मदीने से कहीं जाने का इम्कान गया है उसको सब मान गए आपको जो मान गया है या नबी नुस्खे तस्खीर को मैं जान गया सब मान गए आपको जो मान गया है उसको सब मान गए आपको जो मान गया